नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप स्नैपचैट एप्लीकेशन में आप अपनी सॉन्ग के साथ वीडियो कैसे बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि स्नैपचैट एप्लीकेशन में हम जो है म्यूज़िक के साथ अपनी वीडियो कैसे क्रिएट करें, क्योंकि गाइस स्नैपचैट एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे बहुत ही कमाल के जो है फिल्टर मिल जाते हैं, ऐसे फिल्टर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आप जो है स्नैपचैट पर अपनी म्यूज़िक ऐड करके फिल्टर ऐड करके अपनी वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो किस तरीके से आप स्नैपचैट पर अपनी जो है म्यूज़िक के साथ वीडियो आप कैसे बना सकते हो, अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले गाइस आपको अपने मोबाइल में स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन करना है। स्नैपचैट एप्लीकेशन जैसे आप ओपन करोगे इसके बाद आपके सामने इस एप्लीकेशन का कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप फिल्टर ऐड करना चाहते हो तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आपके स्नैपचैट से कोई भी फोटो वीडियो अगर आपके गैलरी में सेव नहीं हो रही है तो सबसे पहले वो आपको सेटिंग्स कर लेनी है। तो इसके लिए सबसे ऊपर आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है, इसके बाद इस सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करना, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर आना है। और इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको एक मेमोरीज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली गाइस आपको मेमोरीज ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना, और यहाँ पर आपको कैमरा रोल ऑनली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको बैक आना, और यहाँ पर आप देख सकते हो सेव बटन में कैमरा रोल ऑनली सिलेक्ट हो चुका है, जिससे कि दोस्तों स्नैपचैट की आपकी फ़ोटो और वीडियो ऑटोमेटिकली जो है आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो स्नैपचैट एप्लीकेशन का कैमरा ओपन हो चुका है। इसके बाद यहाँ से अगर आप अपनी जो है वीडियो क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप लिपसिंग वीडियो बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप जो है इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप अपने कैमरे को स्विच कर सकते हो, फ्रंट और बैक कैमरा यहाँ से आप कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप जो है फ़िल्टर ऐड करना चाहते हो तो इस इमोजी पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो भी फ़िल्टर आपको अच्छा लगता है, जिस भी फ़िल्टर में आप अपनी वीडियो बनाना चाहते हो, आपको अपना फ़िल्टर सेलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल मैंने इस फ़िल्टर को सेलेक्ट कर लिया है, और अपना फ़िल्टर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो है म्यूज़िक ऐड करने के लिए म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे सॉन्ग देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारे जो है पंजाबी, बहुत सारे सॉन्ग मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो भी सॉन्ग ऐड करना है यहाँ से आप सॉन्ग को सर्च भी कर सकते हो, आपको बहुत सारे सॉन्ग देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल गाइस मैं यहाँ पर इस वाले सॉन्ग को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सॉन्ग पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो तुम्हारा सॉन्ग यहाँ पर ऐड हो चुका है, यहाँ से आप सॉन्ग को प्ले कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप जो है यहाँ पर अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए सिंपली गाइस आपको इस रिकॉर्ड बटन पर टैप करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस रिकॉर्ड वीडियो को रिकॉर्डिंग कर लेना है, तो यहाँ पर वीडियो की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर आप देखते हो ये जो है म्यूजिक का आइकन शो रहा है, तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कहीं पर भी आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखते हो आपको बहुत सारे एडिटिंग टूल मिल जाते हैं। जैसे दोस्तों आप टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपनी वीडियो में टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, आप जो भी लिखना चाहते हो। यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं नाइस म्यूजिक करके यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, और यहाँ पर मैं जो है टिक ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से इसे सेव कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर आप देखते हो इस स्टिकर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्नैपचैट एप्लीकेशन में बहुत सारे स्टिकर मिल जाते हैं, यहाँ से आप स्टिकर को ऐड कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे जो है टूल मिल जाते हैं, जिन्हें यूज़ करके आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो। यहाँ पर इस कैची ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से अपनी वीडियो क्लिप को आप कट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी वीडियो पर म्यूज़िक ऐड हो चुका है, और म्यूज़िक से हमारी जो है वीडियो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो साउंड मैंने प्ले कर लिया है, और आप देख सकते हो यहाँ पर जो है हमारी म्यूज़िक वीडियो क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर इसे जो है नीचे की ओर आप देख सकते हो, यहाँ पर जैसे आप इस डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो ये वीडियो आपकी मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगी। और गाइज इस वीडियो को अगर आप सेंड करना चाहते हो तो आप स्नैपचैट पर अपलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो है वीडियो क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद गाइज यहाँ से गैलरी में जाता हूँ, और यहाँ पर गैलरी में ये जो है वीडियो सेव हो गई होगी। तो यहाँ पर गैलरी में आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये गैलरी में वीडियो जो है सेव हो गई है। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर ये वीडियो सेव हो चुकी है। और यहाँ से अगर आप इस वीडियो को जो है
सेव करने के बाद इस वीडियो को अगर आप अदर प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना चाहते हो तो कहीं पर भी, जैसे इंस्टाग्राम रील पर, अदर किसी भी एप्लीकेशन पर आप जो है इस तरीके से वीडियो क्रिएट करके आप अपलोड कर सकते हो। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप स्नैपचैट पर आप जो है सॉन्ग के साथ आप अपनी खुद की वीडियो क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना।